हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम यहाँ पे एक नए टॉपिक को समझेंगे, किस तरीके से कंडक्ट, एक छोटा सा वर्ड है बट इसके मायने, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारी लाइफ में, उसे समझेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेंगे इसको समझने के लिए कि हाँ, इसकी प्रैक्टिकल रियलिटी, प्रैक्टिकल अप्रोच कितनी इम्पोर्टेंट रखती है आज के समय किसी की भी लाइफ में। कहीं ना कहीं राइट, हम इसे समझेंगे। एग्ज़ाम्स में हमें किस तरीके से पूछा जाता है, हम उसे समझेंगे। यहाँ पे हमारे कंडक्ट के द्वारा कोई हमें किस तरीके से जज कर रहा है, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। राइट, यहाँ पे हम जो टॉपिक को समझ रहे हैं, टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग को समझ रहे हैं, इसे अगर आप समझें और अपनी लाइफ में अगर इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर पाएंगे तो आपकी अप्रोच आंसर राइटिंग में बहुत बेटर हो सकती है। कहीं ना कहीं राइट, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे टॉपिक हमारा सिंपल सा वर्ड है, कंडक्ट। आखिर होता क्या है कंडक्ट? बेसिक सी चीज़ है, आज के समय में मेरे साथ अगर कुछ इवेंट हो रहा है, कुछ सिचुएशन बन रही है, कंडीशन बन रही है, तो उस सिचुएशन, उस कंडीशन में मैं किसी ना किसी तरीके से कैसे ना कैसे रिएक्ट करूँगा। जब मैं रिएक्ट करूँगा तो वहाँ पर एक बेसिक सी टर्म बनती है, रिएक्शन को हम बोल सकते हैं। किसके द्वारा देखा जा सकता है? हमारे एक्शन के द्वारा। हम जब किसी भी चीज़ को लेके कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो हमारे एक्शन के द्वारा देखा जा सकता है। राइट, आज के समय में अगर मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रैवल करते समय कोई सामने एक्स वाई जेड पर्सन अगर रोड पे मेरे को देख रहा है, राइट, कि रोड पे मेरे को देखते हुए जा रहा है कि हाँ मैं गाड़ी पे हूँ, सामने वाला पर्सन सिर्फ रोड पे है, चल रहा है कहीं ना कहीं, वो कैसे मेरे को जज कर सकता है यहाँ पे मेरे सिर्फ और सिर्फ एक्शन पे? कैसे हो सकता है? पहला फेस के ना देखा जाए कि मेरी गाड़ी की स्पीड स्लो हो, तो वहाँ पे मेरे को जज करेगा कि ये बहुत स्लो चला रहा है एंड एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा स्लो है एक्स वाई जेड। राइट, हम मूवीज में भी एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। हो सकता है मैं मीडियम स्पीड पे हूँ, तो वहाँ पे उसके जज करने के तरीके में डिफ्रेंसिएशन है। थर्ड, हो सकता है मेरी स्पीड बहुत तेज हो कहीं ना कहीं, वहाँ पे फिर वो मेरे को पर्सन जज करेगा किसी न किसी तरीके से। तीनों ही केसेस में जब पर्सन मेरे को जज कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्शन की वजह से। मैं किस तरीके से अपनी लाइफ में किसी भी कंडीशन, सिचुएशन, इवेंट, सर्कमस्टेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस, किसी भी चीज़ को लेके कैसे एक्शन में रिएक्ट कर रहा हूँ, वो हमारा बेसिक सा वर्ड बनाता है कंडक्ट। कंडक्ट को हम हिंदी में आज के समय में आचरण बोलते हैं। हमारा आचरण कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है, ये सब कंडक्ट के सब टॉपिक हो सकते हैं कहीं ना कहीं, या सिनोनिम्स या पर्यायवाची में मान सकते हैं इनको कहीं ना कहीं। यहाँ पे कंडक्ट हमने समझा कि हमारे जब एक्शन किए जा रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो वहाँ पे वो एक्शन हमेशा जजमेंटल तीन फेजेस में कैसे बन रहे हैं, सही भी बन रहा है, गलत भी बन रहा है और न्यूट्रल भी है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन कंडीशंस आती है कंडक्ट को लेके। हमारा जो कंडक्ट, हमारा जो एक्शन होता है वो तीन सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, तीन सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। या तो हमारा एक्शन जो होगा वो मॉरली सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही होगा कहीं ना कहीं, एक मॉरली हुआ। एक होता है, थर्ड एंड फाइनल आता है हमारा नॉन मॉरल। ये तीन बेस पे हमारे आज के समय में एक्शन को डिसाइड किया जाता है। हम जब किसी भी एक्शन को देखते हैं, हमारे उन एक्शन के अंदर हम कुछ सिचुएशन, कुछ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। क्या होती हैं वो कुछ चीजें, उनके बारे में समझेंगे इन तीन सब पार्ट्स के द्वारा। मॉरल, हमारे सोसाइटी के द्वारा कुछ नॉर्म्स बनाए गए कि हाँ, इन केस अगर आपको अच्छी ड्राइविंग करनी है, जो हमें बचपन से ही सिखाए जाते हैं कहीं ना कहीं। एक हमें बचपन से जैसे सिखाया गया है कि फॉर एग्जांपल के तौर पे किसी की हेल्प करना, जो यूनिवर्सल लेवल पे एक्सेप्टेबल है कहीं ना कहीं, किसी की हेल्प करना वो एकदम सही तरीका है एज ए गुड ह्यूमन बींग के तौर पर। राइट, ये हमें बेसिक से सिखाया गया बचपन से। वही चीज़ जब हम देखते हैं बचपन से हमें कोई चीज़ सिखाई गई है यूनिवर्सल लेवल पे, वो एक्सेप्टेबल है सोसाइटी के द्वारा। यहाँ पे सोसाइटी के द्वारा कोई भी रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स, पॉलिसीज, कोई भी चीज़ें जब सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल है
तब उसे हमारे बिहेवियर में जब देखा जाता है तो उसे हम मॉरल कंडक्ट बोल रहे हैं कहीं ना कहीं। एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं हम हेल्पिंग अदर्स मॉरली, एकदम सही है। हमारे एक्शन में अगर किसी को देखते हुए किसी के पर्सन को हमने कहीं हेल्प की है तो वो मॉरली एक्शन के द्वारा हमें दिखेगा कि हाँ, ये मॉरली बहुत सही पर्सन है, एथिकली सही पर्सन है। कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे हेल्पिंग हो सकती है, नो चीटिंग हो सकती है, किसी भी तरीके की चीज़ें जो सोसाइटी नॉर्म्स है कहीं ना कहीं और सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल है, सोसाइटी उसको नेग्लेक्ट नहीं करती कहीं ना कहीं, राइट। हमारे एक्शन में जब ये चीज़ें दिखती है तब हम देख सकते हैं कि हमारा एक्शन, हमारा कंडक्ट सोसाइटी के अकॉर्डिंग मॉरली नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है तो वो हमारा मॉरल एक्शन है। मॉरल एक्शन मतलब कि हमारा कंडक्ट अच्छा है कहीं ना कहीं यहाँ पे, राइट। आप खुद सोच के देखिए, आज के समय में हम जब किसी को जज करते हैं, जज करते समय भी हम इन्हीं चीज़ों को तो ध्यान रखते हैं, क्या उस पर्सन ने सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सही चीज़ की है या सोसाइटी के अकॉर्डिंग गलत चीज़ की है कहीं ना कहीं। आज के समय में देर आर मेनी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस कमिंग अप रिगार्डिंग द गर्ल्स रेप, राइट। तो हम वहाँ पे उन केसेस को अगर देखें तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, वो मॉरली बहुत गलत है कहीं ना कहीं, राइट। मॉरली गलत है इन द सेंस कि वहाँ पे इसके अगेंस्ट चीज़ें जा रही कहीं ना कहीं, इसके अगेंस्ट चीज़ें जब जा रही है तो वहाँ पे इमोरल आएगा, मीन्स नॉन सोसाइटी के द्वारा कोई भी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, सोसाइटी द्वारा कोई भी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी, उसे हम इमोरल कहेंगे। हमारे कंडक्ट में, हमारे एक्शन के अंदर सोसाइटी के द्वारा जब चीज़ें एक्सेप्टेबल दिखी तो उसे हम मॉरल कंडक्ट कह रहे हैं, अच्छा बिहेव कह रहे हैं, अच्छा तरीका बोल रहे हैं, अच्छा आचरण बोल रहे हैं कहीं ना कहीं। बट वहीं पे जब सोसाइटी के द्वारा कोई भी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं विक्टिम को परेशान करना, विक्टिम को पनिश करना, समथिंग लाइक दैट। अगर हम देखते हैं विक्टिम को पनिश कर रहे हैं हम, तो वहां पे ये तो ऑब्वियस ही बात है, हमारे कंडक्ट, हमारे एक्शन के द्वारा ही उसको पनिश किया जा रहा है ना कहीं ना कहीं, तो वो हमेशा इमोरल में कहलाएगा। आज के समय में हमने एग्जाम्पल लिया था अभी जस्ट कि फीमेल्स को लेके काफ़ी केसेस बन रहे हैं सोसाइटी में कहीं ना कहीं। वो कंडक्ट, वो आचरण जब किसी पर्सन का हम देख पा रहे हैं, वो किस में आया? इमोरल, राइट। इस चीज़ को समझिए, हमारा आचरण आज के समय में तीन डिफरेंट पर्सपेक्टिव पर डेवलप हो रहा है। पहला मॉरल, मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग सबसे सही चल रहे हैं हम, सोसाइटी के नॉर्म, सोसाइटी के प्रिंसिपल, सोसाइटी के एथिकल रूल्स, सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स, पॉलिसीज, एक्ट, बिल, सब चीज़ों को रिलीजियस वे में, सब चीज़ों को एक्सेप्टेबल कर रहे हैं। रिलीजियस वे को थोड़ा हम साइड रख देते हैं, यहाँ पे हर चीज़ों को हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल कर रहे हैं यूनिवर्सल लेवल पे, तो वो मॉरली कंडक्ट अच्छा कहलाएगा कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे मॉरली कंडक्ट इमोरल कब कहलाए? जब सोसाइटी में पता है ये चीज़ ही गलत है पूरी की पूरी, तो उसे हम इमोरल कहेंगे, राइट। अब हमें पता रहा कि इमोरल और मॉरल में डिफ्रेंशिएशन है, ये क्लियरली समझ में आते, एक अच्छा होगा कंडक्ट या फिर एक बुरा कंडक्ट होगा कहीं ना कहीं, राइट। हमारा मॉरल इमोरल या तो अच्छा कंडक्ट बनाएगा या बुरा कंडक्ट बनाएगा। थर्ड फेस आती है हमारी न्यूट्रल, न्यूट्रल इन द सेंस की बात हुई कहीं ना कहीं हमारी। इस चीज को समझिएगा, जब अनोइंगली हम चीज़ों को कर देते हैं, जब हमें पता ही नहीं होता है, जब हमें पता ही नहीं है और फिर भी हम गलती कर रहे हैं, तो वो नॉन मॉरल में कहलाएगा कहीं ना कहीं। इमोरल और नॉन मॉरल में डिफ्रेंशिएशन को समझिएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम बोल लिख सकते हैं कि बाय मिस्टेक वी हैव डन समथिंग। अगर बाय मिस्टेक हम बाय मिस्टेक वी ब्रेक सोसाइटी नॉर्म्स, या फिर हम बोल सकते हैं रूल्स, हम बाय मिस्टेक सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, तब हम वहां पे नॉन मॉरल के रहेंगे। अब बाय मिस्टेक क्या हुआ? एक टर्म आई थी, हमने पहले भी पढ़ी थी कहीं ना कहीं, बोनाफाइड मिस्टेक्स। बोनाफाइड मिस्टेक्स क्या होती है, आपको अभी भी आइडिया होगा। बोनाफाइड मिस्टेक वो मिस्टेक होती है जब हमें पता नहीं होता और गलती से हम कोई मिस्टेक कर बैठते हैं कहीं ना कहीं, तो वो बेसिक से नॉन मॉरल की सब पार्ट हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको दूँ तो एग्जाम्पल से आप बहुत बेटरली समझ पाएंगे।
अगर कोई पर्सन मेंटली फिट नहीं है और वो दूसरे पर्सन के ऊपर पत्थर फेंक रहा है तो उसे हम इमोरल में काउंट नहीं करेंगे, उसे हम नॉन मॉरल में काउंट करेंगे। यहाँ पे आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा, कोई भी पर्सन जैसे मेंटल पर्सन थ्रो स्टोन्स, कोई भी मेंटल पर्सन जब किसी दूसरे पर्सन के ऊपर, जब वो मेंटली डिस्टर्ब है, इवन डॉक्टर्स साइंटिस्ट सब प्रूव कर चुके हैं वो मेंटली डिस्टर्ब है, फिर भी वो दूसरे के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, अगर वो सही नॉर्मल पर्सन है और पत्थर फेंक रहा है तो वो कहीं ना कहीं इमोरल कहलाएगा। बट वहीं पे जिसे पता ही नहीं है, वो मेंटली पनिश हो चुका है, खुद ही मेंटली खुद ही डिस्टर्ब है फिर भी पत्थर फेंक रहा है, तो उसे हम किस कैटेगरी में, नॉन मॉरल की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे आप समझिएगा हमारा कंडक्ट, हमारा कंडक्ट मतलब हिंदी में हम बात कर रहे थे इसको आचरण की, राइट। हमारा आचरण आज के समय, हमारा जो एक्शन है वो इन तीन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंसी रखता है कहीं ना कहीं। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमारा जो आचरण है, हमारा जो कंडक्ट है किसी भी चीज़ को लेके, वो किन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंसी रखता है और किस तरीके से इन तीन फैक्टर्स को देखते हुए ही सामने वाला पर्सन हम में कोई ना कोई या हमारे को लेके कोई ना कोई जजमेंट बनाता है, रिएक्शन बनाता है। इसके अलावा और भी कोई पर्सपेक्टिव नहीं होते जिस बेस पे हमारा जजमेंट बनता है कहीं ना कहीं, राइट। हमारे को लेके जजमेंट बनता है कहीं ना कहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आज के समय में हमारा कंडक्ट, हमारा बिहेवियर, हमारा आचरण, हमारे एक्शन सब सिर्फ और सिर्फ या तो हम मॉरल सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर सही है उस बेस पे डिपेंड करेगा, नॉन मॉरल हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम मेंटली फिट नहीं है फिर भी हम कुछ ना कुछ गलत हरकत कर रहे हैं तो वो नॉन मॉरल में काउंट हो। इमोरल जहाँ पे हम सोसाइटी के नॉर्म्स को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं, सोसाइटी नॉर्म्स के अगेंस्ट ही चल रहे हैं, यूनिवर्सल लॉ के अगेंस्ट ही चल रहे हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी में रहते हुए, तो वो इमोरल। हमारा कंडक्ट आज के समय में इन तीन बेसिक पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड रखता है कहीं ना कहीं, राइट। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से बेसिक सा टॉपिक था, बेसिक सा वर्ड था, किस तरीके से बेसिक सा टर्मोलॉजी थी जो हमारे पेपर में भी हमारे वर्ड्स के साथ हमें कई बार क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, इंक्लूड करके दी जाती है कहीं ना कहीं। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से हम और भी नए लेक्चर्स के साथ मिलते रहेंगे, नए टॉपिक्स, नए सब टॉपिक्स के साथ मिलते रहेंगे छोटे छोटे। टिल दैट टाइम थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।